गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईटीआई फिटर एम के माध्यम से आईटीआई ट्रेड फिटर प्रैक्टिकल बुक नीमी एमएसटीएफ लेवल 5 सेमेस्टर सेकंड जॉब एक्सरसाइज नंबर 71 जॉब नेम प्रिपेयर नट्स एंड मैच विद बोल्ट्स पेज नंबर 37 में जो जॉब है वह कंप्लीट होने पर किस प्रकार दिखाई देता है इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। बुक नीमी फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड सेमेस्टर एनएसकेएफ लेवल 5 पेज नंबर 37 एक्सरसाइज नंबर 2.1.71 जॉब नेम प्रिपेयर नट्स एंड मैच विथ बोल्ट्स जॉब प्रिपेयर नट्स एंड मैच विथ बोल्ट्स का ये पार्ट नंबर 1 जॉब है जो एक नट है। ये पार्ट नंबर 2 जॉब है जो एक स्क्वायर बोल्ट है और ये पार्ट नंबर 2 का ही स्क्वायर नट है। पार्ट नंबर 1 जो एक नट है इसे दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट करते हैं, जैसे 18 mm फ्लैट टू फ्लैट 18 mm में इसे फिनिश करते हैं। 18 mm और इसका मोटाई 10 mm में इसे फिनिश करते हैं। 10 mm मोटा इसे फिनिश करते हैं। फिर इसके एक साइड 30 डिग्री का 2 mm चैम्फर करते हैं, ये चैम्फर किया हुआ। फिर इसके सेंटर में M10 × 1.5 पिच का इंटरनल थ्रेड काटते हैं। इसके लिए पहले हम 8.5 के ड्रिल के द्वारा इसमें ड्रिल करते हैं, होल करते हैं और फिर इसे बेंच वाइस में बांधते हैं और फिर M10 × 1.5 के टेप द्वारा इसमें टेपिंग करते हैं। टेप और टेप हैंडल द्वारा इसमें टेपिंग करके इसके अंदर इंटरनल थ्रेड कंप्लीट करते हैं। फिर 69 में जो जॉब है वह एक बोल्ट है, इसमें हम इस नट को सेट करके देखेंगे कि यह सेट हो रहा है कि नहीं। यह पूर्ण रूप से सेट हो रहा है तो इसके अंदर जो M10 × 1.5 पिच का जो थ्रेड कटा हुआ वह पूर्ण रूप से सही है। इस प्रकार हमारा जॉब पार्ट 1 दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है, जो एक हेक्सागोनल नट है। इसी प्रकार पार्ट नंबर 2 जो एक स्क्वायर बोल्ट है इसे दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट करते हैं, जैसे 24 mm स्क्वायर में इसे फिनिश करते हैं, 24 और जिसका मोटाई 10 mm। फिर इसमें M12 × 1.5 का एक थ्रेड काटते हैं। इसके लिए पहले इसे 12 mm डायमीटर में फिनिश करते हैं, 12 mm में इसे फिनिश करते हैं और फिर इसमें डाई के द्वारा, ये हमारा डाई है 12 mm का × 1.5 पिच का, इस डाई को डाई हैंडल या डाई स्टॉक में सेट करते हैं और इसे बेंच वाइस में बांधते हैं और फिर इसे इसमें इसके अंदर गुना काटते हैं। इस प्रकार इस जॉब में हमें एक्सटर्नल थ्रेड डाई के द्वारा कंप्लीट होता है। यह थ्रेड की लंबाई 30 mm में कंप्लीट करते हैं, 30 mm लेंथ में, और इस स्क्वायर बोल्ट का पूरा लेंथ 50 mm। फिर इसके एक साइड 30 डिग्री का चैम्फर करते, ये
30 डिग्री का चैम्फर तिरछा कटिंग, और फिर इस साइड 2x45 डिग्री का चैम्फर, 2 mm का 45 डिग्री में चैम्फर करते हैं। इस प्रकार हमारा स्क्वायर बोल्ट दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। फिर हम एक स्क्वायर नट का निर्माण करते हैं, इसके लिए दिए गए ड्राइंग के अनुसार इसे फिनिश करते हैं। जैसे 24 स्क्वायर में इसे फिनिश करते हैं, फिर इसके मोटाई को 12 mm में फिनिश करते हैं, 12 mm, फिर इसके एक साइड 2x30 डिग्री का चैम्फर करते हैं, तिरछा कटिंग करते हैं, फाइल के द्वारा इसे फिनिश करते हैं। फिर इसके सेंटर में M12x1.5 पिच का एक इंटरनल थ्रेड काटते हैं, इसके लिए 10 mm के ड्रिल के द्वारा इसमें होल करते हैं, और फिर 12 mm इंटू 1.5 पिच के टैप के द्वारा इसमें टैपिंग करते हैं, टैप और टैप हैंडल द्वारा इस पर का। इस प्रकार इसके अंदर इंटरनल थ्रेड कंप्लीट होता है। फिर इस नट को इस स्क्वायर बोल्ट पर मैच करते हैं। इस प्रकार यह हमारा स्क्वायर नट स्क्वायर बोल्ट में मैच हो गया। इस प्रकार हमारा स्क्वायर नट दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। इस जॉब का नाम प्रिपेयर नट्स एंड मैच विद बोल्ट्स इसलिए रखा गया क्योंकि हम एक नट का निर्माण करते हैं और इसे एक बोल्ट के साथ मैच करते हैं। इसलिए इस जॉब का नाम प्रिपेयर नट्स एंड मैच विद बोल्ट्स रखा गया, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट होने पे हमें इस प्रकार दिखाई देगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।